मैडम आप पूरे राष्ट्र के दौरा करते करते आज जालना पहुंचे, जालना पहुंचने के बाद आपको यहाँ का जो चुनाव है लोकसभा का, उसके वातावरण के बारे में भाजपा के कितना फेवर में है, इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रही हूँ और जालना में सबसे मैंने एक अच्छी बात ये देखी है कि रावसाहब दानवे का के बारे में लोग बहुत उनको पसंद करते हैं। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोगों ने रावसाहब दानवे को बहुत पसंद किया है और भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। खास तौर पर मैंने मुसलमानों के दरमियान जो यहाँ पर कुछ मीटिंगें हुई उसमें मैंने ये देखा कि मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और मोदी जी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास। अब जालना के मुसलमान हो या महाराष्ट्र के हो या पूरे देश के मुसलमान हो, सारे लोग जो हैं वो अब डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने अब तक के मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम पर जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति की है और मुसलमानों को धोखा देने का काम किया है, अब हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान जो है वो जाग गए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और ख़ास तौर पर जालना में बहुत अच्छा माहौल मैं देख रही हूँ। इससे पहले भी मैं इलेक्शन में आई थी, उस वक्त में भी देखा था और इस बार जो है मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, क्योंकि दानवे साहब ने यहाँ पर लेडीज़ हॉस्टल के लिए, बॉयज़ हॉस्टल के लिए और ख़ास तौर पर जो उर्दू सीनियर कॉलेज के लिए उन्होंने परमिशन देने का काम किया है। मुसलमानों के दरमियान उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने सारे फंड का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। मुसलमान भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और दानवे साहब के साथ हैं। ईदगाह के लिए भी उन्होंने अपना फंड इस्तेमाल किया है। जो चीज़ मैंने महाराष्ट्र में सबसे अलग देखी है वो ये देखी है कि राव साहब ने ख़ास तौर पर हम सबों को बहुत करीब किया है और एक अमन और एक मोहब्बत का पैगाम उन्होंने दिया है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा उनके दरमियान बोलने की ज़रूरत नहीं हुई। बल्कि मैं ये देख रही थी कि यहाँ के मुसलमान वो खुद आगे बढ़कर मेरे कहने से ज़्यादा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और दानवे साहब को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, पिछली बार से भी ज़्यादा इस बार मुसलमानों के वोट मिलेंगे, मुझे इतना विश्वास है। आज जो आपने सभा ली है उसमें महिला वर्ग की जो संख्या थी, जिस तरीके से आपने सभा ली तो या बैठक भी करी आपने, तो उसमें महिला वर्ग का उत्साह कितना था? मैंने खास तौर पर देखा कि महिलाओं का बड़ा उत्साह है और खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं का मैंने ज्यादा देखा है। मुस्लिम महिलाओं के तहफ्फुज़ के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके एजुकेशन के लिए दानवे साहब ने बहुत काम किया है, जिसकी वजह से महिलाओं का प्रतिसाद मैंने ज़्यादा से ज़्यादा देखा है। जैसे एक हज के लिए बिना महरम के औरत नहीं जा सकती थी, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुत बड़ा ये काम किया कि वो बिना महरम भी जा सकती हैं और केरला और तमिलनाडु से हज़ारों की तादाद में मुस्लिम महिला इस बार हज पे गई है। और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे को लेकर मुस्लिम महिलाओं में जो उत्साह है वो बड़ा ज़बरदस्त है। पहली बार इन ख़वातीन के चेहरे पे मैंने खुशी देखी है कि ये एक ऐसी सरकार है जो मुस्लिम महिला के बारे में सोचती है, उनके तहफ़ के बारे में सोचती है, उनके सुरक्षा के बारे में सोचती है।